नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं YouTube पे वीडियो अपलोड करने के लिए, YouTube के लिए वीडियो बनाने के लिए और Facebook पे वीडियो अपलोड करने के लिए, Facebook पे वीडियो बनाने के लिए आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसको देख करके आप खुद अपने YouTube चैनल बना सकते हैं और उसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और उसमें मैं आपको आने वाले टाइम में और भी नए नए टिप्स दूंगा जिससे आपका चैनल ग्रो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube चैनल बनाने के लिए आपको एक जीमेल आईडी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जीमेल आईडी बनाना होता है। जीमेल आईडी बनाने के बाद एक चैनल का नाम क्रिएट करना होता है जो आप उसको बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत की बात करें तो सबसे पहले एक आपको अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं मिल रहा तो जो आपका स्मार्टफोन है आप उससे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा माइक तो आपके पास, जो मार्केट में जो आप बात करते हैं उस माइक से भी शुरू में आप यूज़ कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है उस माइक से आपको वॉइस की क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो मार्केट में बहुत सारे माइक मैंने यूज़ किया है, बट फिलहाल ये स्टैंडर्ड एक माइक है, बोया का माइक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माइक मैंने बताया आपको, ये माइक आप ले सकते हैं। इसकी वॉइस क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। अभी जो ये माइक आप हमें हमारे देख रहे हैं गले में जो लगा हुआ माइक, ये भी बोया का माइक है। बोया का माइक का वॉइस क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है। इसमें जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाहरी आवाज़ इसमें नहीं आएगी आपकी। तो वॉइस क्लैरिटी अगर आपको अच्छी रखनी है तो ये अफोर्डेबल प्राइस में आपका है, तो ये आपका 1000 रुपये का आपका ये बोया का माइक पड़ेगा। तो जब भी आप वीडियो बनाने के लिए शुरू करें अपना काम तो आप ये माइक एक ज़रूर लें, इस माइक से आपकी वॉइस की क्लैरिटी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक ट्राईपोड चाहिए आपको, ये मैंने एक ट्राईपोड लिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो जनरली सारे ट्राईपोड में नहीं होते हैं और ये सस्ता भी है। ये ट्राईपोड आपको पड़ेगा 250 रुपये का पड़ता है ये ट्राईपोड। ये देखिए, इसमें आप जो है सब तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से आपका ये फ्लैक्सिबल है और ये आप जितनी मर्जी चाहें जहाँ पे चाहें वहाँ पे खड़ी कर लें। इसमें स्टैंडिंग भी है, ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे इसको रख दें आप, ठीक है। कैमरा आपको यूज़ करना है, कैमरा को ये रिमूव कर सकते हैं आप, जैसे आपको कैमरा यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से आप ट्राईपोड यूज़ करते हैं, ये ट्राईपोड को अपने हिसाब से आप, यहाँ मैं इसमें आपको फ़ोन लगा करके दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये ट्राईपोड है हमारा, यहाँ देखिए, अब ऐसे करके भी अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये ज़रा, ये देखिए, ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, जनरली रिकॉर्डिंग ऐसे होती हैं, तो ऐसे करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं ये ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। तो इसकी जो क्वालिटी है, ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये आपकी काफ़ी अच्छी आती है, ये आप देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राईपोड आपका बहुत अच्छा ट्राईपोड है, कम प्राइस में आपका 250 रुपये में ये ट्राईपोड आ जाएगा। और इस सब के साथ आपको जहाँ पे आप वीडियो बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, ये सामने में एक लाइट लगी हुई है, आप एक लाइट लगवा लें। वीडियो अगर आप घर में बनाते हैं तो एक लाइट आपको लगवाना होगा, अगर आप बाहर आउटडोर में लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो ओपन सोर्स एरिया में भी ज़्यादा अच्छा होगा आपका। मैं अभी इंडोर में वीडियो बना रहा हूँ, तो जहाँ पर भी आप वीडियो बनाएंगे तो आपके चेहरे पर लाइट आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सामने में एक लाइट रखा हुआ, वो हमारे चेहरे पर लाइट आ रहा है। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। और जो आपके पास अभी पुराना फ़ोन है, शुरू में आप जब स्टार्टअप करते हैं तो उसी फ़ोन से आप वीडियो बनाएं, जब उससे आपको थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलता है पब्लिक का तो आप आगे वीडियो बनाएं। और वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन चाहिए, एक ट्राईपोड चाहिए, एक आपको अच्छा सा माइक चाहिए और एक अच्छा सा लोकेशन चाहिए। यहाँ मैंने ये देखिए, ये पर्दा लगाया हुआ है बैकग्राउंड में, ये पर्दा लगाया हुआ मैंने, और ये आपको लग रहा होगा कि यह पेंटिंग करा हुआ है। तो इस तरीके से आप पर्दा लगा के भी कर सकते हैं, अगर आपका दीवार है
अगर दीवार अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छा खासा पर्दा लगा करके वहाँ पे पर्दे के पीछे में अपने एक आपको प्रेजेंट करके आप जिस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे आपने वीडियो बनाना है, शुरू शुरू में आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग बना सकते हैं। ब्लॉगिंग में आप अपने बारे में बोल सकते हैं, अपने गांव के बारे में बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लॉगिंग, ये अपने बारे में। ब्लॉगिंग के अलावा आप किसी तीर्थ स्थल का ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कहीं घूमने का ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप, किसी बिजनेस का ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। दूसरा, मोटिवेट, अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में रहता है जो कम व्यवस्था होने के बाद बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, कोई कम पैसा में जा कर के बहुत अच्छा जॉब कैच आउट कर लेता है, कोई विपरीत परिस्थिति में रहने के बाद भी बहुत अच्छा कर लेता है, इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो भी बना के उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि YouTube पे अगर आप वीडियो बनाते हैं, Facebook पे अगर आप वीडियो बताते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके वीडियो में मैंने आपको बताया। और ये सारी चीज़ जब आपका हो जाएगा तो जो आपने Facebook में एक पेज बनाना, Facebook में जब भी आप ID बनाएंगे, ID बनाने के साथ एक पेज बनाना होता है। तो ये पेज आपका कैसे बनेगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। Facebook ID में जो भी आपका ID लॉगिन होता है, वो लॉगिन में आपका एक पेज बन जाता है। उस पेज के थ्रू जो भी आप पोस्ट करेंगे, उसी पोर्ट में फिर धीरे धीरे आपका फॉलोअर्स बढ़ जाएगा और उससे आपके अर्निंग भी होगी। जितना एंगेजमेंट होगा आपका, जितने आपके फॉलोअर्स होंगे, उस हिसाब से आपकी अर्निंग डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या सेटअप चाहिए, ये मैंने आज के वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।